बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना रनौत अक्सर ही किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं। कभी अपने विवादित बयान के चलते तो कभी फिल्मों के विवाद के चलते कंगना हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब कंगना रनौत एक और वजह से चर्चा में है। इस बार उनके चर्चा में रहने की वजह बना है उनका पासपोर्ट। कंगना ने अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर रुख किया है। कंगना रनौत को महाराष्ट्र सरकार से पंगा लेना भारी पड़ता नजर आ रहा है। उन्हें लगातार नई नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस बीच खबर आई है कि पासपोर्ट अथॉरिटीज ने उनका पासपोर्ट रिन्यू करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने दलील दी है कि कंगना पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जिसकी वजह से उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जा सकता। इसके बाद कंगना ने एक बार फिर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि देशद्रोह केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार न करने का आदेश जारी कर रखा है। इस केस में उनके साथ उनकी बहन रंगोली चंदेल भी आरोपी है। कंगना का पासपोर्ट सितंबर 2021 में खत्म हो रहा है। उन्हें शूट के लिए बुदापेस्ट जाना है और वैसे भी कंगना को अपने काम के सिलसिले में विदेश यात्राएं करनी पड़ती हैं। ऐसे में बिना पासपोर्ट के वो वीजा के लिए आवेदन नहीं दे सकती। कंगना ने कोर्ट में कहा कि उन्हें विदेश जाना है, ऐसे में कोर्ट उनका पासपोर्ट रिन्यू करने का आदेश अधिकारियों को दे। आपको बता दें, कंगना के खिलाफ सोशल मीडिया में नफरत फैलाने का केस मुंबई के एक अदालत में चल रहा है, जिसमें मुंबई पुलिस के सामने वो एक बार पेश भी हो चुकी हैं। कोर्ट में मुंबई पुलिस ने कहा था कि वो कंगना के करीब 100 ट्वीट्स के बारे में पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन कंगना से सिर्फ 4-5 पोस्ट के बारे में ही बात हो सकी। ऐसे में वो चाहते हैं कि कंगना को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। कंगना के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काने का एक केस पिछले साल किया गया था, जिसके बाद लगातार कई डेट्स पर इसकी सुनवाई हुई है। कंगना के साथ उनकी बहन को भी मुंबई पुलिस ने कई बार नोटिस भेजा है पूछताछ के लिए, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हो सकी। कंगना के वकीलों का दावा है कि उनके ट्वीट से हिंसा नहीं हुई है, इसलिए केस उन्हें परेशान करने के लिए किया गया है। कोर्ट में दलीलें दी गई है कि एक्ट्रेस के खिलाफ इस केस को बंद कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट उनकी दलीलों से संतुष्ट नहीं है। उधर कंगना ने एक बार सुप्रीम कोर्ट में भी कैविएट दाखिल करके अपील की थी कि उनके खिलाफ महाराष्ट्र में चल रहे सभी मुकदमों को हिमाचल ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि वहां उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। अब देखते हैं कि कंगना का पासपोर्ट रिन्यू होता है या नहीं।